नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रशांत। कंगना रनौत के साथ चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर जो बदसलूकी हुई उसने हंगामा मचाकर रख दिया है। जिस तरह से सीआईएसएफ कांस्टेबल कुलविंदर कौर ने कंगना रनौत को थप्पड़ मारा है, उसकी वजह से सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया है। हर कोई इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। जहां कुछ लोग कंगना रनौत का सपोर्ट कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग कुलविंदर कौर का समर्थन कर रहे हैं। उम्मीद की जा रही थी कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कंगना के साथ जो बर्ताव किया गया, उन्हें गालियां दी गईं, थप्पड़ मारा गया, उस पर बॉलीवुड स्टार्स जरूर रिएक्ट करेंगे। लेकिन किसी ने भी कंगना रनौत के सपोर्ट में अभी तक कुछ नहीं कहा है। अब बॉलीवुड की इस हरकत पर कंगना रनौत का गुस्सा फूट पड़ा है। कंगना ने सोशल मीडिया के जरिए बॉलीवुड की लताड़ लगा दी है। कंगना ने उन स्टार्स को निशाने पर ले लिया है जिन्होंने कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर ऑल आईज ऑन राफा को लेकर मुहिम चलाई थी। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हो रहे युद्ध पर जिस तरह से बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हस्तियों ने इसे लेकर मुहिम चलाई थी, अब उन्हीं स्टार्स पर कंगना रनौत का गुस्सा फूट पड़ा है। इतना ही नहीं, कंगना ने बॉलीवुड को बददुआ तक दे डाली है। कंगना ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर गुस्सा जाहिर करते हुए कहा है कि उस दिन के लिए तैयार हो जाओ जब ये आपके साथ होगा। कंगना ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर लिखा, डियर फिल्म इंडस्ट्री, आप सभी लोग या तो एयरपोर्ट पर मुझ पर हुए हमले को सेलिब्रेट कर रहे हैं या फिर इस पर पूरी तरह चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन याद रखना, अगर कल को आप अपने देश के किसी सड़क पर या दुनिया में कहीं और चल रहे होंगे, तब कुछ इजरायली फिलिस्तीनी आप या आपके बच्चों पर हमला करते हैं बस इसलिए क्योंकि आप सभी राफा के लिए खड़े थे, इजरायली होस्टेज के समर्थन में थे, तब आप देखेंगे मैं आपके बोलने की आज़ादी के लिए लड़ूंगी। अगर किसी दिन आपको लगे कि मैं क्यों, मैं कहाँ हूँ, तो याद रखना मैं नहीं। कंगना रनौत ने अपनी दूसरी इंस्टा स्टोरी पर लिखा, ऑल आइज ऑन राफा गैंग, ये आपके और आपके बच्चों के साथ भी हो सकता है। जब आप किसी पर आतंकी हमले को सेलिब्रेट करते हैं, उस दिन के लिए तैयार हो जाओ जब ये सब आपके साथ होगा। तो देखा आपने कंगना के थप्पड़ कांड पर जिस तरह से ऑल आईज ऑन राफा गैंग ने चुप्पी साधी हुई है, वो एक्ट्रेस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर अब कंगना का गुस्सा फूट पड़ा है। बता दें कि ऑल आईज ऑन राफा की मुहिम में प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट, करीना कपूर खान, रश्मिका मंदाना, वरुण धवन समेत कई बड़ी हस्तियां शामिल हुई थी। अब कंगना ने इन स्टार्स को बद्दुआ दे डाली है और कह दिया है कि उस दिन के लिए तैयार हो जाओ जब ये सब आपके साथ भी होगा। बता दें कि कंगना रनौत दिल्ली जा रही थी, लेकिन जब वो चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुंची तब चेकिंग के दौरान सीआईएसएफ की कांस्टेबल कुलविंदर कौर ने कंगना को थप्पड़ जड़ दिया। कुलविंदर कौर का एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें वो कंगना को थप्पड़ मारने की वजह भी बता रही थी। वहीं इस घटिया हरकत पर कंगना रनौत ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की थी। कंगना ने इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए क्या कुछ कहा था, चलिए यहाँ भी आपको बताते हैं। नमस्ते दोस्तों, मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, मीडिया के भी और मेरे शुभचिंतकों के भी। सबसे पहले तो आई एम सेफ, आई एम परफेक्टली फाइन। आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। वहाँ पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी सीआईएसएफ की, उन्होंने मेरे उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतज़ार किया और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियां देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं। और आई एम सेफ, बट माय कंसर्न इज़ कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट। बताते चले कि कंगना के इस मामले पर कई लोगों ने प्रतिक्रिया दी है, जिसमें संजय राउत, हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर और कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम आदित्य सिंह का नाम भी शामिल है। चलिए जाते जाते दिखाते हैं आपको उनका ये वीडियो। अब जब आप एयरपोर्ट में जाते हैं तो वहाँ पे आप सीआईएसएफ के सुरक्षा घेरे में होते हैं और वहाँ पे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई भी वहाँ पे आम नागरिक भी जाए, कोई वीआईपी जाए, उनकी सुरक्षा करना, वहाँ पे पीस इंश्योर करना वो उनका दायित्व है। अगर वही इस तरीके के कार्य करने लग जाएंगे तो उससे क्या मैसेज हमारी सिक्योरिटी के ऊपर जाएगा? तो ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। उनके ग्रीवेंसेज है वो एक अलग बात है, उसको सही प्लेटफॉर्म पे उठाना उनका अधिकार है, मगर इस तरीके से असॉल्ट करना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी हम निंदा करते हैं। बहुत अनफॉर्चुनेट हुआ है जो भी हुआ है, और चंडीगढ़ में एयरपोर्ट पे जहाँ सुरक्षा की पूरी व्यवस्था है, सुरक्षा कर्मी ही इस प्रकार से व्यवहार करे, मैं समझता हूँ कि बहुत अनफॉर्चुनेट, और हमने कहा कि उसमें कार्रवाई होनी चाहिए।
मुझे जानकारी मिली है कि उनको सस्पेंड किया कर दिया है और बाकी आगामी कार्यवाही उसमें होनी है इन्वेस्टिगेशन के बाद। लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ये सारी चीज। चंडीगढ़ में जिस तरह से कंगना रनावत के साथ हुआ, एक कांस्टेबल ने पकड़ मारा उनको सीएसआई, कुछ लोग होट देते हैं, कुछ लोग थप्पड़ देते हैं, मुझे मालूम नहीं क्या हुआ है, मुझे मालूम नहीं एक्चुअल क्या हुआ है, मैं देखूंगा और बात करूंगा। तो किसानों के जो आंदोलन था उसको लेके कहा था कि 100-100 रुपए में किसान वहां बैठे हैं, तो कांस्टेबल ने कहा वहां मेरी माँ भी गई थी, जाके बैठी थी, और आपने इस तरह से स्टेटमेंट। अगर वो कांस्टेबल ने कहा है कि उनकी माँ बैठी थी तो ये सच है, और माँ किसान आंदोलन में अगर उसमें शामिल थी और उसके उस माँ के बारे में कोई गलत कहता है तो डेफिनेटली लोगों को एक मन में चिढ़ आती है, संताप आता है, क्रोध आता है। लेकिन अगर मोदी जी कहते हैं कानून का राज है तो कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, लेकिन एक कांस्टेबल ने कानून लिया है अपनी माँ के लिए, भारत माता भी माँ है उसकी, और जो किसान आंदोलन पर बैठे थे वो भारत माता के पुत्र थे या कन्याएं थी, तो अगर किसी ने भारत माता का अपमान किया है और किसी को गुस्सा आया भारत माता का अपमान किया, तो मुझे लगता है उस बारे में सोचना चाहिए। मुझे कंगना के बारे में हमदर्दी है, वो अभी सांसद है, सांसद के ऊपर इस प्रकार से हाथ नहीं उठाना चाहिए, लेकिन किसानों का सम्मान इस देश में होना चाहिए। तो किसान की कन्या हो, किसान के पुत्र हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन लोगों के मन में कितना गुस्सा अभी भी है ये समझ लेना चाहिए। जैसे कि मुंबई में कंगना ने मुंबई को पाकिस्तान कहा तो लोगों का गुस्सा था, कि गुस्सा आने का अधिकार सिर्फ आपको नहीं है, हमको भी है ना। लेकिन एक सांसद पर हाथ उठाना इस प्रकार से ये ठीक नहीं है, वो सांसद। नमस्ते दोस्तों, मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं मीडिया के भी और मेरे शुभचिंतकों के भी। सबसे पहले तो आई एम सेफ, आई एम परफेक्टली फाइन। आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। वहाँ पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी सीआईएसएफ की, उन्होंने मेरे उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतज़ार किया और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियां देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं।